जॉन एफ कैनेडी ने 1960 में जब प्रेसिडेंट बने अमेरिका का, उसने कहा हम चांद पे आदमी भेजेंगे और 10 साल के अंदर, विद इन दिस डिकेड, हम चांद पे आदमी को भेजेंगे और उसको सेफली वापस लेके आएंगे। खाली भेजने का ही था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन साला लफड़ा बड़ा कर दिया उसने, बोला नॉट ओनली हम उसको चांद पे भेजेंगे और साले को वापस सेफली भी लाएंगे, तो डबल कमिटमेंट हो गया। भेजने का तो भेज दिया, तो फिर अपने को पड़ी नहीं, वो आवे नहीं आवे वापस अपने को क्या करने का, इधर उधर ही घूमता रहेगा नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन उसने वादा किया 1960 में, और वो जब कर रहा था, अमेरिका के पास सिर्फ 20 माइल तक ऊपर रॉकेट भेजने की औकात थी। चांद किधर है सालों को मैं नहीं मालूम था, उसका वातावरण कैसा होता है उधर, क्या लगता है उधर वड़ा पाव खा सकते हैं कि नहीं, खाकरा चलेगा कि नहीं, कि खाकरा का फाफड़ा हो जाएगा, मालूम ही नहीं है। लेकिन वो कुछ नहीं बोल, लेकिन बोल दिया। जैसे उन्होंने बोल दिया, नासा के जो टॉप लीडर्स है उनमें एक उमंग पैदा हुआ और उनका काम करने का टोटल तरीका बदल गया। वो सब साइंटिस्ट और जितने भी लोग वो स्पेस मिशन में लगे हुए थे नासा में, वो सब सरफिरे जिहादी हो गए। तो बोले नहीं, साहब का कमिटमेंट कर दिया है, साहब ने वर्ल्ड के सामने कमिटमेंट कर दिया, अपना इज्जत का सवाल है, 10 ईयर्स के अंदर अपने को आदमी को भेजने का है मून में और सेफली उसको वापस लेके आना। 1969 में उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग और एड्रिन एल्विन जो भी है उसका नाम, उसको भेजा और उसको सेफली वापस लेके आया 1 ईयर बिफोर द डेडलाइन। तो कमिटमेंट तब किया था जॉन एफ कैनेडी ने, कमिटमेंट इज अ प्रॉमिस यू मेक टू योरसेल्फ टू डू समथिंग विद द कैपेबिलिटी ऑफ विच यू डोंट हैव एज ऑफ नाउ। आज वो कैपेबिलिटी नहीं था और आपने कमिटमेंट कर दिया, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। उसी तरह से अभी ये देखो, क्या फुल टाइम कमिटमेंट करता, कुछ ना कुछ करता तो है कमिटमेंट, बोले स्वच्छ भारत करेगा, और एक वो दूसरा चूतिया भैया 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 करके चूतिया घूमता ना उधर, राहुल गांधी, वो क्या कमिटमेंट कर रहा है। देखो दो लीडर लोग में फर्क देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि मैं कांग्रेस का आदमी हूं या बीजेपी का आदमी हूं, एक आदमी कमिटमेंट कर, स्वच्छ भारत का उसने अभियान किया, पूरा ऑपोजिशन उसके खिलाफ बात कर रहा है, ये कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तलाना फलाना डिमका ये वो सब बात कर रहा है, लेकिन वो कमिटमेंट तो कर रहा है, भले वो उज्ज्वला स्कीम हो, भले वो कुछ भी हो, भले वो स्वच्छ भारत हो, मेक इन इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, कमिटमेंट कर रहा है और उसके ऊपर काम कर रहा है। जब वो कर रहा है कमिटमेंट तो उसके पास नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन वाले उसको ये 6C से गुजरने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर उसमें ताकत है तो पुश करता रहेगा और वो कम से कम जो भी कमिटमेंट किया उसका 50% 25% कुछ ना कुछ तो वो कर ही डालेगा। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो मैं हमेशा बोलता हूं फर्स्ट कमिट देन थिंक। हम लोग क्या करते, पहले सोचते हैं, सोचने के बाद कमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसी फटेगी कि कमिट करने लायक नहीं रहोगे। So, पहला कमिट करना है, बाद में सोचना है कि मैं फैक्ट्री डालूंगा, अभी फैक्ट्री डालूंगा जब आपने सोचा। सो कमिटमेंट इज अ, लाउडली वंस अगेन, कमिटमेंट इज अ प्रॉमिस यू मेक टू योरसेल्फ ऑफ डूइंग समथिंग द कैपेबिलिटी ऑफ विच यू डोंट हैव एज ऑफ नाउ। कमिटमेंट एक वादा है, बोलिए तो, कमिटमेंट एक वादा है जो अपने आप से करते हैं कुछ ऐसा करने का जिसकी कैपेबिलिटी आज हमारे में नहीं है, उसको कमिटमेंट बोलते हैं। अभी सेकंड फैक्ट्री डालना ये कोई कमिटमेंट नहीं, अगर फैक्ट्री इधर डाल दिया, अभी समझो अभी दूसरा आपने मेट्रोडा में पहला डाला, अभी समझो और किधर आपने डाला, ए इसमें दम नहीं है बाप, इसमें इंडिया में अभी फैक्ट्री डालने में दम नहीं है, अभी एक अलग ही आ गए, अभी बड़ा कांड कर रहा है। सो कहने का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स, यू नो कि कमिटमेंट नीड्स टू बी स्पेसिफिक। कमिटमेंट ऐसा नहीं, ए, मेरे को वजन कम करना है, ऐसा ये बोलता है समझो 140 किलो में है, ये बोलता मेरे को वजन कम करना है, दैट्स नॉट अ कमिटमेंट बिकॉज दैट्स नॉट स्पेसिफिक। यू मस्ट से दैट मैं अपना वजन फ्रॉम 140 इसको मैं 77 किलो लेके आऊंगा और मैं इसको December 14th, 2019 4 बजे शाम को तब तक लाऊंगा। कमिटमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, नंबर होना चाहिए उसमें, कितना किलो, कौन सा तारीख, डेडलाइन होना चाहिए उसमें,
डेडलाइन होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, नहीं तो बोलेगा मैं वजन कम करता हूं कभी मरने के पहले. दैट इज नॉट अ ब्लडी कमिटमेंट. दैट इज नॉट अ कमिटमेंट, इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. कमिटमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैं 77 किलो करूंगा और मैं दिसंबर 14 तारीख 2019 को दोपहर को 3 बजे तक मैं अपना 140 किलो से 77 करूंगा. ये कमिटमेंट होगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट शुड बी रिटर्न डाउन एंड अनाउंस टू द वर्ल्ड. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी 100%. कमिटमेंट 35% नहीं हो सकता, कमिटमेंट 12% नहीं हो सकता, कमिटमेंट 94% नहीं हो सकता, कमिटमेंट 99% भी नहीं हो सकता. कमिटमेंट कितना होना चाहिए? 100%. यानी 77 किलो 140 पे मैं लाऊंगा 14 दिसंबर को शाम को 4 बजे तक मैं लाऊंगा. ये कमिटमेंट 100% होना चाहिए. अंग्रेजी सीखने का कमिटमेंट 100% होना चाहिए. फैक्ट्री डालने की कमिटमेंट 100% होना चाहिए. अपना पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने की, एक टाइगर बन के अच्छी तरीके से बात करने की, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप करने की कमिटमेंट कितना होना चाहिए? लाउडली 100%. 35% चलेगा? नहीं, क्योंकि 35% कमिटमेंट करोगे तो करेज को बनने में बहुत साल लग जाएंगे. फिर उसको बोलेंगे हम लॉन्ग करेज. शॉर्ट में करेज चाहिए ना, तो 100% कर दो कोई भी कमिटमेंट. वो एक्सपेंशन का हो, फैक्ट्री हो, अंग्रेजी सीखना हो, प्रोफेशनल को रखना हो, ईआरपी सिस्टम डालना हो, कोई भी ऐसा कमिटमेंट जिसकी कैपेबिलिटी आज आप में नहीं है, वो कमिटमेंट की बात करो. और वो कमिटमेंट 100% होना चाहिए. हमने देखा है लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स, लोगों की कमिटमेंट 12, 15, 20, 25, 30, 40. जब हम सेल्समैन थे तो हमने अपने बॉस को बोला, सर बोल के आप कितना करें? बोलता 21 कर ले. मैं सर 30 कर दूंगा. जब मैं सेल्समैन था वैक्यूम क्लीनर, और हमने वो वादे को पूरा किया क्योंकि हमारा कमिटमेंट 100% था. और हमने ये भी देखा कि कई रातें हम घर नहीं गए क्योंकि हमने वादा किया था बेचू नहीं तब तक घर नहीं जाऊंगा. वो कमिटमेंट होता, 100% होता. कभी कभी नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, मूड आया तभी नहीं. कमिटमेंट हैज टू बी 100%. जब हम ब्रांच मैनेजर बने, हमने बड़ा कमिटमेंट किया. पहली बार इंडिया में 200 सेल, पहली बार इंडिया में 300 बाया ब्रांच मैनेजर, पहली बार 400 वैक्यूम क्लीनर, पहली बार 500 हमने कमिट किया पहले, जिसकी कैपेबिलिटी हम में नहीं थी. और हमारा कमिटमेंट 100% था. एक भी बार मेरे पूरे 15 साल के सेल्स करियर में, फ्रॉम अ सेल्समैन टू अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, 15 साल 3 जगह पे मैं नौकरी किया. जो जो कमिटमेंट मैंने अपने 19 बॉस लोगों किया, 100% हमेशा हमेशा हर महीने में मैंने उसको पूरा किया हमेशा. क्योंकि मेरा कमिटमेंट कभी भी 15, 20%, 30%, 35%, 40% नहीं होता था. मेरा कमिटमेंट 100% होता था. 100% वैसा होगा तो ही करो, मैं बोलता हूं, नहीं तो मत करो. कोई जबरदस्ती नहीं इंग्लिश सीखने का. गुजराती से चल ही रहे ना काम, रिटेल का धंधा तो चल ही रहा है ना. काय को मगजमारी करने का? करना है तो, क्योंकि अगर 100% नहीं होगा ना, उससे मिलने वाला जो भयंकर एजुकेशन और कैपेबिलिटी है ना, और क्रिएटिविटी और करेज, वो बढ़िया नहीं होगा. देयरफॉर जिंदगी में कुछ भी करो. गुरुकुल में बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं कि सर विजन लॉन्च करेंगे. वो आदमी विजन तक को लॉन्च नहीं कर पाता. मतलब वो अगर इतना छोटा कमिटमेंट को नहीं पूरा कर सकता है, क्योंकि वो जब क्लास में राजेश टैगोर को वादा करता है, या दीपक धाबलिया को वादा करता है, या अमोल मुले को वादा करता है, या वो नयन कोटियन को वादा करता है, या कोई भी ट्रेनर को वादा करता है, या रायचूरा को वादा करता है, या अपना हार्दिक को वादा करता है, वो कमिटमेंट पूरा नहीं होगा, 100% नहीं है, तो वो होगा ही नहीं.